हेलो गाइस, तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मेरा कुआं। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये हमारा कुआं है और इससे हम जो हमारे खेतों में सिंचाई करते हैं, तो वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा। और आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से हमारी वीडियो देखते हैं तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और आगे से आगे हमारी वीडियो को भेजिए। और हमारे यूट्यूब चैनल एन्जॉय स्टडी लाइफ यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपको मैं यहाँ का नज़ारा दिखाने वाला हूँ, गाँव वाले गुड मॉर्निंग कैसे होती है सारा मैं इस वीडियो में बताऊँगा आपको। तो जो गाँव की गुड मॉर्निंग होती है उसका नज़ारा यहाँ पर बहुत ही अच्छा सुंदर नज़ारा है। हरे भरे खेत हैं यहाँ पर, क्योंकि अभी सर्दी का मौसम चल रहा है। तो मैं सारा इस वीडियो में आपको बताऊँगा, तो वीडियो बिना स्केप किए हुए पूरा वीडियो को देखिए। तो मैं आपको मेरा कुआं दिखाने वाला था, तो वीडियो में आपको मेरा कुआं दिखाऊँगा। कुएं को जल स्रोत भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से अपन जो जल होता है वो खेतों में सिंचाई के लिए ले जाते हैं। तो मेरे पीछे देखेंगे आप, बहुत ही गहरा कुआं है हमारा, देख लीजिए। जैसे कि वीडियो में आप देख रहे हैं, मेरे पीछे ये कुआं है हमारा और इसमें बहुत ही भरपूर मात्रा में पानी है। इसमें 8 से 10 मोटर चल जाती है तभी पानी नहीं ख़त्म होता है। तो इस साल बरसात भी अच्छी हुई है और पानी की भरपूर मात्रा में आवश्यकता थी तो वो पूरी हो चुकी है। तो मैं जो मेरे कुएं का पानी है वो भी दिखाऊंगा आपको, कितनी मोटर चल रही है कुएं के अंदर वो भी बताऊंगा। तो वीडियो को बिना स्केप किए आप वीडियो को देखते रहिए और देखते हैं मेरे कुएं का नज़ारा, आपको मैं कुएं में कितनी मोटर्स चल रही है हमारे और कितना पानी है सब दिखाऊँगा। और देखते हैं अब कुएं का नज़ारा, आप ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो गाइज ये लीजिए हमारा कुआं है, ये जल स्रोत है हमारा यहाँ का। तो ये हमारा कुआं है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वीडियो के माध्यम से। तो ये देखते हैं कितनी मोटर चल रही है कुएं के अंदर वो भी देखेंगे। तो देख लीजिए आप अच्छे से, कुआं हमारा बहुत ही गहरा है और ये देखो कुआं, ये जल का स्रोत है। और यहाँ पर देख लीजिए इसमें पानी, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, देख लीजिए इसमें 8 से 10 मोटर चल सकती है, पानी नहीं ख़त्म होता है क्योंकि अभी भरपूर मात्रा में इस साल वर्षा अच्छी हो गई है। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर कितनी मोटर चल रही है, एक मोटर, दो मोटर और तीन मोटर एक पानी के अंदर है और दो छोटी मोटर चल रही है पानी वाली। तो इसके अंदर अभी 5 मोटर चल रही है रेगुलर, पानी ख़त्म नहीं होता है। और जैसे कि मैंने आपको हमारा कुआं दिखाया है, बहुत गहरा है और स्वच्छ निर्मल जल भरा हुआ इसके अंदर। और मैं आपको यहाँ का जो नज़ारा है वो भी दिखाने वाला हूँ। और ये देख लीजिए यहाँ का नज़ारा कितना सुंदर है। और अभी जो सर्दी की ऋतु चल रही है तो सभी किसान भाइयों ने अपने खेतों में फसलें भी उगा दी है। और मैं आपको हमारा ट्रांसफ़र भी दिखाऊंगा, हमने कृषि कनेक्शन भी लिया हुआ है तो यहाँ पर हमारा ट्रांसफ़र भी लगा हुआ है, तो विद्युत के लिए हमने लगा रखा है। तो आपको वो भी दिखाऊंगा मैं, ये हमारा ट्रांसफार्मर रखा हुआ है यहाँ पर। और हमारे यहाँ पर आम का बहुत ही बड़ा वृक्ष है, इसकी कैरी बहुत ही टेस्टफुल होती है, खट्टी बिल्कुल भी नहीं है। और मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, ये हमारा खेत है, सरसों से भरा हुआ है पूरा और हरियाली देखिए यहाँ की, बहुत ही यहाँ पर मन मोह जाता है, मतलब यहीं रहने को विचार करता है खेतों में। और इधर देख लीजिए पूरा हरा भरा खेत है हमारा, और जहाँ तक देखेंगे आप वहाँ तक हरियाली आपको दिखेगी। और किसान भाइयों ने लगभग लगभग सभी खेतों में फसलें बो दी है और वो उगकर भी बाहर निकल गई है। तो ये देख लीजिए, ये हमने बोई थी सरसों की फसल जो बाहर आ गई ज़मीन से उगकर। और इधर भी हमारे चने बो रखे हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा। ये देख लीजिए इधर पूरे खेत हरे भरे हो चुके हैं। अगर फ्रेंड्स हमारे वीडियो को आप देखते हो तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं आपको दिखाने वाला हूं यहां पर बहुत ही बड़ी लौकी, देखते हैं यहां पर लगी हुई है, मेरे को दिखी है अभी ही, तो मैं दिखा देता हूं आपको यहां पर लौकी क्या दिखाने वाला हूं। ये देख लीजिए बहुत ही बड़ी लौकी लगी हुई है और छोटी लौकी भी लगी हुई वहाँ ऊपर लगी है, आपको नज़र नहीं आएगी, मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको, ये देख लीजिए। और आपको मैं कहीं नज़ारे दिखाने वाला हूँ यहाँ के, मनमोहक नज़ारे हैं। ये सेम फली का पौधा आ गया है यहाँ पर, इसमें फलियाँ लगेगी, ये देख लीजिए फूल आने प्रारंभ हो गए हैं। और इधर चलते हैं और क्या दिखा है हमें, देखते हैं आपको भी हम बताते हैं वीडियो के माध्यम से।
तो गाइज ये देख लीजिए, इधर देख लीजिए, चने की फसल उगी हुई है। किसान लोग बाग घाटों पे सोते हैं उधर। और ये देखो यहाँ पर लौकी, क्या लौकी के पौधे मिल गए हैं हमें। जो लौकी की बेल होती है उसमें फूल आ रहे हैं, ये देख लीजिए, सफ़ेद कलर के फूल हैं और इनमें लौकी लगना प्रारंभ हो गई वापस। इनको देख लीजिए, बहुत सारे यहाँ पर लौकी की बेल मिली हैं हमें और लौकी भी लग रही होगी, कहीं ना कहीं आपको दिखाएंगे लौकी मिलेगी। तो अभी दोस्तों लौकी नहीं आई है, इनमें फूल ही आए हैं। और यहाँ का नज़ारा देखिए आप, कितना सुंदर और सुशील शांतमय वातावरण है। और वहाँ पर देख रहे हैं जो हमारा मकान बना हुआ है, और यह पूरा ही यहाँ से जहाँ तक आप देख रहे हो ये हमारा खेत है। ये देख लीजिए, हमारा 20 बीघा खेत है ये पूरा, जहाँ तक आप देख रहे हैं उसमें हमने गेहूँ और सरसों की फसल बो रखी है। तो गाइज कैसा लगा हमारा यहाँ का वातावरण आपको, कमेंट्स करके बताएं हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, और अपने फ्रेंड्स को आगे से आगे शेयर करें। और हमारे इधर पपीता के भी पौधे उगे हुए हैं, जैसे कि मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ, हमने बहुत सारे पपीता के पौधे लगा रखे हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ, ये पपीता का पौधा है, अभी छोटा है, पपीते बहुत जल्दी आने वाले हैं इनके अंदर। और हम आगे बढ़ते जाते हैं और हमारे इधर गेहूँ की फसल आ जाती है। और गाइज अपने फ्रेंड्स को प्लीज़ आगे से आगे शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हमारे इधर जो गेहूं में पानी पिला रहे हैं वो भी दिखा देता हूं आपको, यहां का जो वातावरण है देख लीजिए आप वीडियो के माध्यम से, आपको भी आवाज़ आ रही होंगी पक्षियों की। यहां पर पक्षी चहचहा रहे हैं क्योंकि अभी मॉर्निंग का समय है। और यहां पर हमारे इधर घना कोहरा भी छा रहा है क्योंकि सर्दियों के मौसम में कोहरा छाने लग जाता है। तो आपको आप देख रहे होंगे इधर कोहरा भी छाया हुआ है थोड़ा सा, अभी सर्दियां स्टार्ट हुई है और धीरे धीरे बहुत सारी ठंड पड़ने वाली है। तो आप भी अपने उन्हें वस्त्र निकालें घर से और उन्हें पहन लें। तो इधर देख लीजिए हमारे खेत हैं ये, हमने पानी दे रखा है अभी गेहूँ को। तो आप देख लीजिए, जहाँ तक देखेंगे वहाँ तक हमारे खेत नज़र आएंगे आपको। तो गाइज वीडियो कैसा लगा आपको, तो हमारे YouTube चैनल एंजो स्टडी लाइफ YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, कल नए वीडियो में लेकर आएंगे आपके लिए नई जानकारियाँ। तो गाइज दिखा देता हूँ एक बार और आपको यहाँ पर पानी, ये देख लीजिए गेहूँ की फसल को हम पानी दे रहे हैं ट्यूब के माध्यम से। चलो आज के वीडियो में यहीं पर टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जानकारी के साथ।